वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, इस संस्थान के विद्यार्थीगण जिनको आज छात्रवृत्ति मिलनी है, चिंता मत करो, और मंच पर उपस्थित आज हमारी पार्टी के संगठक जिन्होंने संगठन की छोटी सी इकाई से शुरू कर शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष का पद की जिम्मेदारी निभाई है, और जिनसे मिलकर हर कार्यकर्ता ये महसूस करता है कि मैं अपने अध्यक्ष से, अपने संरक्षक से, अपने गार्जियन से मिलकर आया हूँ, जिन्होंने पार्टी की पहचान, पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान हर पत्र पर बढ़ाया है और एक इतिहास लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार 37 साल बाद आई है, इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। ऐसे अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, जो इससे पहले ट्रांसपोर्ट मंत्री और अब कैबिनेट मंत्री के रूप में, जल शक्ति मंत्री के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका, अपने सभी साथी विधायकों का, नरेंद्र भाटी जी, तेजपाल नागर जी, श्री चंद जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई मनोज गुप्ता जी और विजय भाटी जी की ओर से अभिनंदन करता हूँ, और आप सबको भी तरफ से भी उनको स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन सुनेंगे और इस संस्थान के प्राण, संस्थान के संस्थापक जिन्हों की कल्पना राष्ट्रवाद, भारत की संस्कृति से ओतप्रोत है, ऐसे श्री योगेश मोहन जी, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भगवान राम के हनुमान के रूप में परिचय कराया और उनके वसीयत लेकर, पुत्र के रूप में मैं समझ रहा हूँ, उनके संस्कारों की पूंजी लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भाई मयंक जी उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। ये संस्थान तो प्रैक्टिकली हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का सही कार्यविधि के लिए संस्थान है। मैं अपेक्षा करूँगा कि हम सब लोग अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा, मैं उनको आमंत्रित भी कर देता हूँ, मैं तो आपका समय बचा देता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी का